करते हैं सब टॉपिक म्यूजिक। तो सबसे बड़ा फैंसी जिसको हम कंपोजिट फैंसी, चार पांच स्किन हमारे ऑन बोर्ड हो गए सर, जिसमें आपका एक और स्किन बंद हो क्योंकि प्रेशर होता है, पीछे से माल आ रहा होता है, सप्लाई आ रही है उसकी नहीं है। मेरे पास जो है बागवानी, कृषि, उद्योग विभाग, हमारा फिशरीज, सॉयल एंड कंजर्वेशन, सारे डिपार्टमेंट के, जिला शिमला के जितने भी ग्राउंड जीरो के हमारे अधिकारी है वो यहाँ पर हमारे साथ बैठक में मौजूद है। मैंने जो ये बैठक आज इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई, इसमें यूनिवर्सल कार्ड पर डिस्कस हुआ है। हमने कहा है जो हमारा फील्ड का स्टाफ है, चाहे डिप्यूटी डायरेक्टर साहब है, चाहे SMS, छोटे छोटे जो हमारे कर्मचारी ग्राउंड जीरो पर, उनसे कहा है कि लोगों से पता किया जाए कि क्या हमारे समस्याएं आ रही है, अगर हमारा यूनिवर्सल कार्ड का जो गत्ता है उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी है उस पर भी, क्योंकि पहला साल है दिक्कत आएगी उसको लेकर हमने यहाँ से फीडबैक मांगा है, जो कि जितने भी यहाँ प्रस्ताव पारित होगी वो मंत्री जी को भेजे जाएंगे, सरकार को भेजे जाएंगे। मैं स्वयं भी मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से इस बारे में मिलूंगा। दूसरा यहां पर डिस्कशन हुआ है कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, चाहे हमारी फिशरीज की है, चाहे हमारे सॉइल कंजर्वेशन की, चाहे हमारे एग्रीकल्चर की, उसमें जितनी सब्सिडी मिल रही है, कितने हमारे बेनिफिशरीज है, कितने बेनिफिशरीज तक स्कीम गई है, मैंने एक एक आंकड़ा यहां पर इनसे लिया है, हमारे जो अधिकारियों से लिया है और दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारे जो, चाहे वो हमारे SCDP का कंपोनेंट का प्लान का पैसा है, हमारे जो है उन लोगों को पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हमारे जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन तक जो स्कीम का पैसा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जनरल का कितनी पेंडेंसी बची हुई है, कितना कौन सी ऐसी स्कीम है जहां पर ज्यादा पैसा आ रहा है और वहां पर सरकार से और पैसा लेने की आवश्यकता है, चाहे हमारी जो है हमारी मशीनों, बहुत सारे हमारे एंटी हेलमेट पर, हमारी जो है पावर डीलर पर, बहुत सारी चीजों पर हमको सब्सिडी हमको सरकार देती है, हमारी राष्ट्रीय योजनाएं भी है और राज्य की योजनाएं भी है, उनका किस प्रकार से ये कार्यान्वयन कर रहे हैं, कितना बजट इन्होंने खर्च किया है, उसका सारा लेखा जोखा इस बैठक में आज यहां पर लिया जाता है और यहां से ग्राउंड जीरो का काम जो है इस मीटिंग में होता है। दूसरा, हमने एक और चीज यहां पर आज डिस्कस की है कि हमारी कुछ योजनाएं ऐसी है जिसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, जो कि ग्राउंड जीरो पे काम नहीं ठीक से कर रही है, उसको लेकर भी बदलाव के लिए हम सरकार को लिखेंगे। जैसे हमारे एक योजना सरकार ने बनाई थी पीछे, जो हमारे फेंसिंग के लिए, उसमें बैम्बूज पर फेंसिंग थी और हमारे स्टील के जो हमारे बैम्बूज है उस पर, उसमें भी जो है जो आपको सब्सिडी थी, तो हमारा ये सुझाव यहाँ पर गया है कि हमने बांस वाला बैम्बू जो होता है उसको नहीं हमने यूज़ करना, हमने जो है स्टील की तरफ जाना है, ताकि बागवान बार बार जो सरकार के पास आपके जो है सब्सिडी के लिए ना आए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलेगी और APMC के हमारे सेक्रेटरीज वगैरह सभी लोग यहाँ पर बैठक में, हमारी भट्टाकुफर की मंडी है वहां पर जो है हमारा पीछे कितने सालों से जो है ना आपके छत गिरी हुई थी, उसको हमने बिल्कुल अभी प्रायोरिटी पे, देवानंद जी से हमारी बात हुई, हमारी चेयरमैन साहब से बात हुई, नेगी जी से बात हुई, हमने उसको हटवा दिया है और वहां पर सुचारू रूप से मंडी चल रही है, लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, वॉशरूम की व्यवस्था कर दी गई है और जिले के अंदर जितनी हमारी मंडियां है, चाहे वो अणु की मंडी है, खड़ा पत्थर की मंडी है, हमारी जो है आपके पराड़ा की मंडी है, वहां पर क्या कमियां है उसको लेकर भी हमारे सचिव साहब को हमने निर्देश दिए हैं कि जो भी कमियां है उसको प्रायोरिटी पे पूरा किया जाए, बागवानों को, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम यहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, बागवानों को पहली बात तो यह है कि हमारा सबसे बड़ी दिक्कत तो यूनिवर्सल कार्टन की थी, कि लोगों को, कुछ लोगों को अभी जो है शुरू में दिक्कत आएगी भी कि एक्सेप्टेंस में होता है, क्योंकि पहले हम लकड़ी के पेटी में सेब भरते थे, फिर राजा साहब वीरेंद्र सिंह की सरकार, हमने टेलीस्कोपिक कार्टन आया तो शुरू बहुत दिक्कत आई, लोगों को लगा कि भाई ये जो गत्ते में कैसे सेब जाएगा, फिर उस पर भी दिक्कत आई थी, वो भी सुचारू रूप से चला, फिर आज हमको वक्त की नजाकत ये है कि हमको यूनिवर्सल कार्टन की मांग किसानों की थी, बागवानों की थी, बहुत संगठनों की थी, उसको हमने जो है जब अमली जमा पहनाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई, ये नेगी जी का दम था, सुक्कू साहब का दम था कि हमने यूनिवर्सल कार्टन लेकर के आए, आज हम उसको कैसे चलाएंगे, उस पर छुटपुट जो कमियां है उसको लेकर भी हमने फील्ड के स्टाफ को बोल दिया कहीं पर कमी नहीं आनी चाहिए। APHPMC ने अपनी जो गाड़ियां है चौपाल को भेज दी है, हमारी यूनिवर्सल कार्टन की जो खेप है, हमारी जो रोड को जा चुकी है गाड़ियां, हमारी जो है कोटगढ़ की तरफ गाड़ियां जा चुकी है, हमने सरकारी जो हमारा कार्टन है वो टाइम से पहुंचा दिया है और जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, उनको भी कह दिया कि यूनिवर्सल कार्टन की कमी नहीं आनी चाहिए। तो यही दिक्कत आ रही थी बागवानों को, बाकी हमने सड़कों की दिक्कत नहीं आने देंगे, हम मंडियों में आपको जो है ना कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हमने जो है पुलिस का स्टाफ के लिए भी यहाँ से कह दिया, SP साहब को भी यहाँ से हम प्रस्ताव भेज रहे हैं कि हमारा स्टाफ भी जो है सुचारू रूप से हर मंडी पर लगा रहे, तो कोई कमी नहीं आने देंगे हम, आप देखिएगा हमारा जो सेफ सीजन है बहुत ही बढ़िया तरीके से हम निकालेंगे और जो बागवानों को दिक्कत होगी वो हमने फील्ड स्टाफ को कह दिया है, यहाँ पर जो है पूरी टीम एक साथ काम करेगी। देखिए, ऐसा है, हमने बैठक में इस बारे में चर्चा की है, सबसे पहली बात तो है कि एक साल पहले, डेढ़ साल पहले से ही काम चल रहा है, लोगों को तो पहले ही मालूम था कि टेलीस्कोपिक कार्टन इस साल आएगा, पिछली बार ये घोषणा कर दी गई थी और बजट में भी इसकी घोषणा कर दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और माननीय बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी द्वारा। आज जो दिक्कत आ रही है, हमने भी बागवानी मंत्री से बातचीत की इस बारे में, अगर लोग ये चाह रहे हैं कि इसकी नाक के नीचे या इसके जो है पीठ के पीछे आप जो है टेलीस्कोपिक कार्टन का गलत उपयोग करेंगे आपके आड़तियों को खुश करने के लिए, जो कुछ आड़ती जो है राजनीति करने का काम कर रहे हैं, तो फिर नहीं चलेगा। हाँ, जो हमने कहा है कि जो बागवानों का, जिनका 200 पेटी, किसी का 1000 पेटी,
काला बाजारी जिसने कर रखी है, हजार हजार पांच पांच दस दस बीस हजार रुपए इकट्ठी कर रखी है, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है, वो काला बाजारी है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, जो बागवानों ने अपने पास गत्ता रखा है 100-200 पेटी का, उसके लिए हम आग्रह करेंगे, हमने पहले भी बात की है, रोहित ठाकुर जी से भी हमने बात की है, जगत नेगी जी से भी हमने बात की है कि अगर इस पर कुछ हो सकता है तो ये बहुत जल्दी आपको इसके जो है अच्छा एक जो आपको आंसर मिलेगा बागवानी मंत्री से। परंतु जो काला बाजारी करके बैठे हुए उनका बचाव करना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। यूनिवर्सल कार्टन चलेगा और आगे भी लगातार चलेगा, इसको बिल्कुल बदला नहीं जाएगा, ये हमारी भी मांग है, जगत नेगी जी ने भी कहा है। और दूसरी बात, जो टेलीस्कोपिक कार्टन पर जो ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। और यूनिवर्सल कार्टन में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बागवान कह रहे हैं कि गत्ते थोड़ा गत्ते में स्ट्रेंथ नहीं है, उसको हम पूरा कर देंगे, पहली साल में जो दिक्कत आई है उसको लेकर के हम जो है सरकार को प्रस्ताव आज भी भेज रहे हैं, इस पर काम करने की आवश्यकता ये हम करेंगे। मंडियों की आपने बात की, मंडियों में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आढ़तियों की रजिस्ट्रेशन या फिर उनकी सिक्योरिटी मनी की बार बार बात होती है कि उनका होना चाहिए ताकि सेफ रहे बागवानों की पेमेंट, इसको लेकर क्या कोई बात उठी है? अभी एपीएमसी के चेयरमैन हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ आए हैं, ये हमारा मेन अधिकारी होते हैं हमारे, चाहे हमारा चेयरमैन नॉमिनेट होता है, चाहे हमारा मुख्य बागवानी, यहीं से जाता है सारा प्रस्ताव, ठीक है। आज हमारी बैठक अभी थोड़ी और बचती है, आपने बहुत अच्छी बात की है, हम भी यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे। मैं हम तो पहले बागवान संगठन में भी हम रहे हैं, हमने पहले ही कहा है कि जितने भी आढ़ती जो आरती बन के बैठे हैं मंडियों में, उनके जो रजिस्ट्रेशन फीस जो आपने बोली सिक्योरिटी मनी की आपने बात की, मैं तो कहता हूँ इसको मैंडेटरी और प्रायोरिटी और बहुत ही जल्दी किया जाना चाहिए। हम आज दोबारा मैं कह रहा हूँ कि हम भी सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकारी जो है जो हमारा संगठन है उसके भी हम जो है ना जुड़े हुए लोग हैं बागवान संगठनों से, हम आज एक बड़ा प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे सबकी तरफ से, जिला परिषद में 20 तारीख को ही पारित करेंगे कि इनकी सिक्योरिटी मनी और जो रजिस्ट्रेशन की फी है उसको मैंडेटरी किया जाए। और जो हर कोई वहाँ पर 2-3 लाख रुपये वाला भी आरती बढ़ के बैठा रहता है, ऐसे लोग जो लोगों का बाद में पैसा नहीं देते, पैसा खा के भाग जाते हैं, और बाहर से भी जो लोग आते हैं उसको हम, मैंने आपको कह दिया अगर इस साल नहीं हुआ ऐसे तो इस साल ही करने की कोशिश करेंगे, अगले साल तो इसको हम मैंडेटरी करवाने की कोशिश करेंगे। नेगी जी के सामने भी मैं बड़े दमदार तरीके से बात रखूंगा, मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखेंगे, और हमारा जिला परिषद का पूरा सदन कि हमको इनके लिए ये चीज़ करनी है, तभी बागवानों का पैसा बचेगा, अदरवाइज जो है बिचौली आएंगे जो यहां से हमारे लोगों का पैसा खा के भाग जाएंगे, हम उनको पकड़ नहीं सकते उसके बाद, चाहे आप कुछ भी कर लो, पुलिस लगा लो, साइबर सेल लगा लो, भाग जाते हैं लोग, लोगों का पैसा फंस जाता है। इसको लेकर भी हम जो आज भेज देंगे प्रस्ताव, और आगे भी हम इस पर सक्रिय रहेंगे। आपका ये जो बहुत अच्छा प्रश्न था, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रश्न को आप प्रत्येक मंच पर उठाए ताकि हमारे मंच से भी जाए और मंचों से भी जाए और काम हो जाए। आप देखिए, एक जो आरती होता है जो उनके साथ लदानी होते, कम से कम मुझे लगता है कि 5 से 10 करोड़ रुपए का सेव तो वो खरीदते ही है, तो मैं तो बोलता हूँ अगर आप अधिक ना रखे तो 5 करोड़ तो कम से कम मिनिमम जो सिक्योरिटी मनी होनी चाहिए ताकि जो व्यक्ति है यहां से सेव लेके ना भागे, इतना सेव तो खरीदता ही है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप इसको आप सेपरेट कर दे कि भाई छोटी मंडियों में अगर कोई बैठना चाह रहा है मंडियों के हिसाब से, जहां पर सेव कम आता है, जहां की जो मंडी कम चल रही है वहां कम रख सकते हैं, जहां हमारी बड़ी मंडियां वहां रख सकते हैं। ये तो फील्ड स्टाफ से हम पूरी जब जानकारी ली जाएगी तब इस बारे में बात की जा सकती है। अभी इस